पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? वो बंदा गायब हो गया, मिल नहीं रहा है, उसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया? किसकी हिम्मत हुई अधिराज प्रधान की कुर्सी के नीचे बम लगाने की? आप ढूंढिए उसे, हम जानना चाहते हैं कि कौन हमारे बेटे की जान लेना चाहता है, कौन है इस घर का दुश्मन। सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमने उसकी फोटोग्राफ थाने में भेज दिया है और सर्विलेंस डिपार्टमेंट को भी एक्टिव कर दिया है। आप निश्चिंत रहिए सर, वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। अच्छा सर इजाजत दीजिए। पापा जी आप बड़ी अम्मा से क्यों नहीं पूछते? बताइए बड़ी अम्मा किसका हाथ है इसमें? अम्मा आपको जानती है? कुछ इनको तो सब कुछ मालूम होगा, करता धरता है ना हमारी बड़ी अम्मा, तो एमएलए बनाना गिराना मरवाना, इनसे बेहतर तो कोई नहीं जानता होगा। बोलिए। बहुत आ गई है छोरी, मरते मरते बची है ना अभी, पर दिमाग सटक गया शायद। सही कह रही हैं आप, अगर कोई हमारे पति को चोट पहुंचाता है तो हमारा दिमाग ऐसे ही सटक जाता है और फिर हमारे सर पे खून सवार हो जाता है, फिर वो जो भी हो बंदा या बंदी वो अगर हमें एक बार मिल जाए तो हम उसको ऐसा खदेड़ खदेड़ के मारे, उसका कचुंबर मना दे और फिर ऐसे जमीन पे पटक दे। कमर भी टूट जाए और अकल भी ठिकाने लग जाए। अरे आपका चेहरा क्यों उतर गया बड़ी अम्मा, हम आपके बारे में थोड़ी बोल रहे हैं। राजू संभाल लो अपनी बहुरिया को, हाथ से निकले जा रही। अभी तो कुछ भी नहीं किया है हमने, आदि के एक एक आंसू का बदला लेंगे, जीना मुश्किल कर देंगे आपका। संतु। जी भाभी जी। संतु ये बताओ कि हम तुम्हारे क्या लगते हैं? माँ के समान लगते हैं भाभी जी आप तो। और आदि भैया क्या लगते हैं? आदि भैया तो सब कुछ लगते हैं। तो तुम उनके लिए कुछ भी करोगे? कुछ भी क्या, जान दे देंगे आप, बताइए तो सही। जान नहीं चाहिए हमें तुम्हारी, तुम्हें याद है ना कि बड़ी अम्मा ने तुम्हारे सामने क्या कहा था? अब बस तुम्हें वही बात अपने आदि भैया को बतानी है। अरे भाभी जी आप हमसे क्या करवा रही हैं? अगर हम जो है भैया जी से अम्मा जी के बारे में कुछ बोले तो हमको जो है पटक पटक के मारेंगे, आपसे बताई दे रहे हैं। संतो ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे भाभी जी हमको जाने दीजिए भाभी जी। चलो आ जाओ भाभी जी। नहीं बात सुनिए भाभी जी, भाभी जी हमारी आखिरी ख्वाहिश सुन लीजिए भाभी जी। भाभी भाभी जी आज से मैं मानती हूँ कि मेरे दो बेटे नहीं मेरे तीनों बेटों ने मुझे छोड़ दिया। अभी टाइम नहीं है जाओ। कौन है? अरे कौन है? छोड़ो हमें। अरे अरे छोड़ो, अरे छोड़ो हमें। हाँ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। काव्या क्या कर रही हो? चलो नहीं छोड़ो हमें, काव्या छोड़ो हमें। काव्या करना क्या चाहती हो तुम? हम तुम्हें किडनैप कर रहे हैं, अब हम तुम्हें काली कोठरी में बंद कर देंगे और तुम्हारे माँ बाप से एक मोटी रकम मांगेंगे। चलो 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 चलो। क्या फनी हो ना तुम, संभल के नीचे जाना है अभी यहाँ से। तुमने अकेडमी में हमारे साथ ये कहा था ना, याद है हमें किडनैप करने की धमकी दी थी तुमने? तुम्हें किडनैप किया है, तुम्हें बांध कर यहाँ पे लेके आ गए, अब फरौती की रकम के लिए तुम्हारे बाप को फोन करना है। और तब तुमने हमसे ये भी कहा था कि स्ट्रेस भगाने का एक सबसे अच्छा इलाज है नूडल्स।
वैसे स्ट्रेस का इलाज है मेरे पास. क्या? नूडल्स. तो बताइए साहब जी, अब क्या खाएंगे? मंचूरियन, हक्का नूडल्स, स्वीट एंड सार? भूख नहीं है हमें. प्लीज एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इधर आइए. नूडल दीजिए ना एक प्लेट. क्या खुशबू है, क्या स्वाद है. जो नूडल्स ना खाए वो बर्बाद है. क्या बात है काव्या बंसल, आईएएस के बाद नूडल्स की रेडी. क्या तरक्की की है तुमने. अब नेक्स्ट क्या, डब्बा सर्विस? हाँ, पर वो एक्सक्लूसिव है, सिर्फ एक इंसान के लिए. और हम वो भी अपने हाथ से खिलाएंगे. सॉरी, टेस्ट बदल गया. कम ऑन आदि, ठीक है हमारे लिए मत खाओ, इनके लिए तो खाओ. भाभी आप? हाँ भैया, वो काव्या के कहने पर हम इतने दिनों के बाद आज तैयार होके आए हैं. आप कहते तो हम वापस चले जाएंगे. कोई कोई बात नहीं. नहीं भाभी, अच्छा किया जो आप आए. थैंक यू भैया. अरे तो इतना सड़ा बम बना काहे रखे हो बंधु? मौका है, दस्तूर है, यारों का साथ है, म्यूजिक भी है. थोड़ा मुस्कुरा दे यार. हाँ भैया जी, गुस्से में आप एकदम नेता लगते हैं और मुस्कुराते हुए एकदम हीरो. तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है. जे देखो, थप्पड़ खाने के बाद भी कैसी बेशर्मी की नुमाइश कर रहा हो तुम्हारा लड़का. जिसको अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है कर लेने दीजिए. अब वैसे भी मेरा आप कोई बेटा नहीं है. नारे मालिनी, आदि का कसूर ना है, जादूगरनी ने अपने बश में कर रखा उसे. हमें तो पूरा शक है, बम भी इसी ने लगवाया था ताकि जान बचा के एहसान जता सके. उसको छोड़ो, वो देखो छोटी के साथ बड़ी भी बिगड़ रही. पति को परेशान नहीं हुआ अभी, और देखो कैसे कमर लचका के मटक रही है. कुछ करो मालिनी, इस वक्त अगर तुम मुंह मोड़ के चली गई ना तो घर की सत्ता समझो गई हाथ से. जाओ. घर के सारे लोगों ने तो अपनी शर्म बेच खाई है. तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो समझदार थी, अभी हाल ही में तुम्हारे पति को मारा गया है, भूल गई सब? ए मालिनी, आजकल की छोरियों का यही दस्तूर है. जो गया सो गया. अब जी अपने भविष्य के कार्यक्रम बनाने में लग गई हैं. छोरी कान खोल के सुन ले, प्रधान परिवार की बहुएं विधवा चाहे हो जाएं, बेशरम नहीं होती. चल यहां से, चल. भाभी कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ आइए. हाथ छोड़ उसका. नहीं नहीं,
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।